कब से लग रहा है नौतपा, कड़ेगी भीषण गर्मी, सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आते ही। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। पंचांग के अनुसार सूर्य 25 मई को सुबह 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। इसी तिथि से नौतपा की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद सूर्य बुधवार यानी 8 जून को रात 1:16 पर रोहिणी नक्षत्र से बाहर आ जाएंगे और इसी के साथ नौतपा समाप्त हो जाएगा। नौतपा के दौरान लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रदेव हैं। नौतपा के दौरान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में जाने से चंद्रदेव की शीतलता पर असर पड़ता है। नौतपा के दौरान सूर्यदेव के प्रभाव की वजह से चंद्रमा का प्रभाव कम हो जाता है। इसी को नौतपा कहा जाता है। नौतपा के दौरान लोगों को गर्मी से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। नौतपा के समय सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बेहद अधिक बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में आंधी और तूफान आने का डर भी ज्यादा रहता है। नौतपा में शीतल यानी ठंडी चीजें दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। नौतपा के दौरान सुबह पूजा के बाद सत्तू, घड़ा, पंखा या धूप से निजात दिलाने वाले छाता भी दान किया जा सकता है। इस अवधि में जरूरतमंदों को ठंडी चीजें दान करने से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो शरीर को ठंडक देने वाली चीजें जैसे कि दही, नारियल पानी या तरबूज का भी दान कर सकते हैं। नौतपा में आटे से भगवान ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर पूजा करने से भी लाभ प्राप्त होता है। वहीं पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नौतपा के 9 दिनों के अंदर बारिश हो जाए तो इसे मानसून के मौसम के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। हालांकि नौतपा के दौरान जितनी गर्मी होगी मानसून उतना ही खुशनुमा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।